नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मीनिंग्स ऑफ नेम्स में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रुद्राक्षी नाम का अर्थ क्या होता है, रुद्राक्षी नाम की लड़कियों का राशि क्या होता है, शुभ अंक, शुभ दिन, शुभ रंग क्या होता है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, आप लोग वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर रोज़ ऐसे नए नए वीडियो देखने का मौका मिल जाए। चलिए दोस्तों, हम लोग इसी के साथ अपना वीडियो को शुरू करते हैं। रुद्राक्षी नाम का अर्थ भयंकर आँखों, शुभ फल फल सूखे और माला को हम लोग रुद्राक्षी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, और बात कर लेते हैं रुद्राक्षी नाम की लड़कियों का शुभ अंक के बारे में, यानी कि लकी नंबर के बारे में। तो जो इनका लकी नंबर शुभ अंक एक होता है। शुभ रंग के बारे में बात कर लेते हैं, तो जो इनका शुभ रंग होता है वो हल्का नीला सफ़ेद होता है। और लिंग की बात कर लेते हैं, तो जो लिंग होता है ये लड़की होती हैं। और इसी के साथ फिर हम बात कर लेते हैं ग्रह के बारे में, जो इनका ग्रह होता है वो जो ग्रह मंगल ग्रह होता है। और फिर बात कर लेते हैं शुभ रत्न की, जो इनका शुभ रत्न जो होता है वो मूंगा होता है। और इसी के साथ बात करते हैं राशि के बारे में, जो राशि जो होता है इनका तुला राशि होता है। जी हाँ दोस्तों, और धर्म की बात कर लेते हैं, तो धर्म जो इनका होगा वो हिंदू धर्म होगा। जी हाँ दोस्तों, धर्म हिंदू धर्म होगा। अगर दोस्तों किसी आपको नाम का अर्थ जानना है या फिर अपने नाम का अर्थ जानना है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको कमेंट सेक्शन में अपना नाम को लिख देना है और हमारे पास सेंड कर देना है। और जो आपका नाम रहेगा उसी नाम के ऊपर जो है हम वीडियो, अगला वीडियो जो होगा वो उसी नाम के ऊपर रहेगा। और वीडियो को साथ ही साथ लाइक और चैनल को भी जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जल्दी मिले। और बात कर लेते हैं राशि की, जो राशि होता है इनका तुला राशि होता है। तुला राशि के जातक भोले स्वभाव के होते हैं। कुलसल स्वामिनी को तुला राशि का आराध्य माना जाता है। भोजन का अपघटन और उत्सर्जन प्रणाली द्वारा नियंत्रित की जाती शुक्र ग्रह तुला पर शासन करता है। शुक्र ग्रह की मजबूती परिस्थिति मूत्राशय और मुद्रों का के कार्यों को सुचारू रूप से होने में मदद करती है। इस राशि के लोगों त्वचा, किडनी आदि जैसी संबंधित रोग होने की संभावना जो होती है वो अधिक होती है। जी हाँ दोस्तों, त्वचा स्किन जो त्वचा होती है उससे संबंधित रोग होती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर रोज़ ऐसे नए नए वीडियो देखने का मौका मिल जाए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में किसी नाम के साथ। धन्यवाद।